नमस्कार, विद्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इन दिनों विकास यात्रा निकाल रही है। बीजेपी का कहना है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, हालांकि चुनावी साल है, चुनावी साल में जनता तक तो पहुंचना ही है। तमाम जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंच रहे हैं विकास यात्रा में, और तमाम प्रशासनिक पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं क्षेत्र में सॉल्व कर रहे हैं। रीवा जिले की बात करें, सिमरिया विधानसभा के विधायक हैं केपी त्रिपाठी हमारे साथ हैं। किस तरह की, जिस तरह विकास यात्रा आप निकाल रहे हैं, लोगों की किस तरह की अनुभूतियां हो रही हैं और किस तरह की समस्याएं सुनने को मिल रही हैं? आपने तो स्वयं देखा है, चाहे वो नल से जल की योजना हो, चाहे ट्रांसफार्मर केबल खंभे की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, नाली की समस्या हो, हम लोग मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की समस्याओं को हल करने के साथ साथ हितग्राही मूलक योजनाएं, चाहे गुड़फोंट पीड़ा लड्डू वाली योजना हो, संबल की 16,000, मातृत्व वंदना 5,000, 1400 रुपये प्रसूति सहायता से लेकर लाडली लक्ष्मी कन्यादान विवाह सहायता, ऐसी कितनी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, जो मृत्यु अंत्येष्टि, आयुष्मान भारत, संबल योजना, किसान सम्मान निधि, इन सब योजनाओं में यदि कोई हितग्राही वंचित रह गया है पात्र होने के बावजूद, उसका वहीं पर आवेदन लेते हैं और उसका निराकरण करते हैं। और आप जिस तरह से लोग जुटते हैं और जितना उत्साह है लोगों के अंदर, जो हमने काम किया है, जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव के समय है तो आना ही पड़ेगा, जिस दिन से चुनाव जीता हूँ एक एक दिन मैंने अपने एक एक गांव में, एक गढ़वा गांव आप आए हैं तो 10वीं 12वीं बार मैं आया हूँगा, 50 बार 20 बार 30 बार एक एक गांव में हमने विजिट की है, और वहाँ के लोकल समस्याओं को मैं ऐसे ही, मुझे संज्ञान है और उत्साह है, आपको दिखा होगा कि जनता के बीच में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कार्य कामों को लेकर, शिवराज सिंह जी के कामों को लेकर सिमरिया विधानसभा में किस तरह का करंट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रदेश की अगर बात करें जी, तमाम तरह की तस्वीरें हो रही हैं कि बीजेपी का विरोध हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आप तो देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है। कांग्रेस को इस बार 8 में 8 सीटें जीते थे, दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ा था, और लोकसभा में बिंध में तो पूरे कांग्रेस दूरबीन से ढूंढे नहीं मिल रही, जो भी 2-4 इक्का दुक्का कहीं मूड सर दिख रहे हैं। 2023 के चुनाव में जिस तरह का जनता का उत्साह है, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा, दूरबीन से ढूंढने से एक कण नहीं मिलेगा कांग्रेस का। कितनी पंचायतों तक पहुँच गए, अभी कितने पहुँचना बाकी रह गया? लगभग 35 पंचायतों का तक पहुँच गए हैं, और हमारी विकास यात्रा अप्रैल तक चलनी है, एक एक ग्राम पंचायत को कवर करना। लेकिन 5 से 25 फरवरी तक ही विकास, उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो विधायक जितना चाहें इस विकास यात्रा को उतनी मात्रा में ले जाएं, तो हम अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए एक एक ग्राम पंचायत, अभी जनसेवा शिविर हुआ था 6 महीने पहले, उसमें भी हम लोगों ने 50% ग्राम पंचायतों को, नगर पंचायतों को कवर किया था। उसके पहले हम तो हमेशा ही जनसेवा यात्रा और विकास यात्रा निकालते रहे, और अब 100% ग्राम पंचायतों को हम कवर करने जा रहे हैं। सिमरिया की एक बात करें, सिमरिया विधानसभा में पूर्व विधायक भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपको लेकर एक अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया था पिछले दिनों, क्या कहेंगे? वो व्यक्ति ही अमर्यादित है, पूरी सिमरिया की जनता जानती है, ऐसे लोगों के बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, जनता जवाब देगी। 2023 में जिस तरह से सिमरिया की जनता के लिए पहले वो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते थे, आज वो सिमरिया के जनप्रतिनिधि मेरे लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी खींच दिखती है कि सिमरिया के लोगों के प्रति उनकी कितना दुर्भावना है और क्या सिमरिया के लोगों को वो समझते हैं, ये 2023 में जनता उनको जवाब देगी। अंतिम सवाल, 2023 विकास यात्रा के बाद चुनाव परिणाम क्या होने वाले हैं, क्या लगता है आपको क्षेत्र में जाके? एक तरफ कांग्रेस निकाल रही हाथ जोड़ो, जिनकी बात कर रहे हैं, रात में जो गाड़ियां शराब बेचती हैं गांव-गांव में जाकर, और जो लोग शराब की तस्करी करते हैं, दिन में वही गाड़ियां और वही शराब तस्कर कांग्रेस के नेता के साथ हाथ जोड़ने का काम करते हैं, और एक तरफ हम हैं, जहां आप मीडिया पीछे देखिए कितने लोग और किस किस तरह से समस्याएँ सुन रहे हैं लोगों की, तो अपने आप सिमरिया के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। पिछली बार भी हम 8,000 वोटों से हमको जनता ने जिताया था, तो अभी तक के जितने जीत के आंकड़े थे, सर्वाधिक मतों से मुझे जीतने का श्रेय अभी तक मिला है, और मुझे ये लगता है कि सिमरिया की जनता इस बार मन बना चुकी है कि सिमरिया में पूरा विंध्य क्षेत्र का रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड मतों से सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है।
ठीक है। तो ये थे हमारे साथ के सिमरिया विधायक, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और विकास यात्रा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।